सेवा नहीं है, यह प्रत्येक हर क्षेत्र में होना चाहिए। और उसकी स्थिति क्या है, क्यों होना चाहिए, आप सब जानते हैं कि आजादी की लड़ाई के दौरान ये बात बहुत शिद्दत के साथ बाबा साहब ने उठाई थी कि हम केवल अंग्रेजों से नहीं आपसे भी आजादी चाहते हैं, स्वराज ऐसा हो जिसमें हमारा भी राज हो। ये उन्होंने मूक नायक में अपने एक संपादकीय का शीर्षक लिखा था। और मित्रों, मैंने बाबा साहब पर काम करना 1987 से शुरू किया एक छात्र के रूप में। बहुत सारे बच्चे उस समय पैदा हुए होंगे, हमारे सामने बैठे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि ये जो मेरा पीएचडी का विषय था, उस जमाने में कोई इस नाम को सुनने को तैयार नहीं था, हिंदी दलित पत्रकारिता पर पत्रकार अंबेडकर का प्रभाव। तो कोई सुपरवाइजर तैयार नहीं होता था। और उसी समय मेरे सामने एक समस्या ये आई कि मैं अगर बाबा साहब की पत्रकारिता को, पत्रकारिता से बात मैं इसलिए शुरू करना चाह रहा हूं कि रिप्रेजेंटेशन की जो बात है, जो हमारा मत है, जो विचार है, जिसे जिसके लिए बाबा साहब ने कहा कि हमारे पास कोई मंच नहीं होगा तो हमें रिप्रेजेंटेशन भी नहीं मिलेगा, और इसलिए उन्होंने अपना एक मंच तैयार किया था। और आज संयोग की बात है, आज 2019 है, लेकिन 1919 में मूक नायक की तैयारी हुई थी। आज 100 साल हो गए उस अखबार के, और 31 जनवरी 1920 को वो प्रकाश में आया। हम रिप्रेजेंटेशन की जो बात कर रहे हैं, आप देखिए कि 1902 में छत्रपति साहू महाराज ने कोल्हापुर स्टेट में रिजर्वेशन, जिसे रिप्रेजेंटेशन कह रहे हैं, लागू कर दिया। और आप देखिए कि 1919 में दत्तो पवार की सहायता से मैं इसलिए कह रहा हूं कि दत्तो पवार थे, ये छत्रपति साहू महाराज के कर्मचारी थे और बाबा साहब अंबेडकर के संपर्क में थे। तो इन्होंने कहा, छत्रपति साहू महाराज का जब बहुत अपमान हो रहा था ब्राह्मणों के द्वारा, तो वो कह रहे थे कि हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो समाज में समता की चेतना ला सके। तो दत्तो पवार ने कहा कि ये काम डॉक्टर अंबेडकर ने शुरू कर दिया है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनी हुई है, कई मंचों से वो काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इसका दस्तावेजीकरण होना चाहिए, प्रिंट में बात आनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि एक अखबार निकालिए और इसकी समझ, इसकी क्षमता, इसकी योग्यता डॉक्टर अंबेडकर के पास है और आपके पास धन है, आप राजा हैं, तो आप मदद कीजिए। और उन्होंने उनकी मुलाकात करा दी तो वो अखबार सामने आया। मित्रों, मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात, मैंने इस चीज को समझने की कोशिश की और मेरे सामने दिक्कत ये पैदा हुई कि मुझे मराठी सीखनी थी। मैं मराठी का प्रकांड तो नहीं बन पाया, लेकिन मैंने लंबा समय लगाकर बाबा साहब के मूक नायक और बहिष्कृत भारत का हिंदी अनुवाद किया। श्री सुल्तान सिंह मोहतर जी बैठे हैं, उन्होंने ये बहिष्कृत भारत और मूक नायक को छापा है। तो इसमें इस चिंतन को अलग से समझने की आवश्यकता इसलिए हुई कि जो मुख्य धारा का मीडिया था उसमें हमारी बात आ नहीं सकती थी, क्योंकि हम तथाकथित आजादी में अपनी हिस्सेदारी का दखल दे रहे हैं। और पूरा देश ये कह रहा था कि ये जो घर के मसले हैं, छुआछूत है या भेदभाव है, ये आजादी के बाद हल कर लिए जाएंगे। लेकिन बाबा साहब दूरदर्शी थे, वो समझ रहे थे ये इस समय अगर हम नहीं होंगे तो कभी हम नहीं होंगे। क्योंकि वो समय ऐसा था कि ब्रिटिश सरकार का एक दबाव भी था, और दबाव ये था कि जब ये कहते थे कि हम पर अत्याचार बंद करो, हमें आजाद करो, हम
हम भी मनुष्य हैं, सारी दुनिया में प्रगतिशील देशों में आजादी आ गई है, क्रांतियां हो गई हैं, फ्रांस, अमेरिका, अमेरिका में तो आप देख ही रहे थे कि किस तरह से अश्वेतों का आंदोलन चला, और बाबा साहब उसको भी अच्छी तरह से समझ रहे थे। आप देखिए 1948 में बाबा साहब की जो अछूत पुस्तक आई है उसमें उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है, और वो चोखा मेला, संत रैदास और नंद्रनाथ हमारे तीन संतों को समर्पित है। मैं ये बात बार बार कहता हूं कि अगर रैदास नहीं होते, चोखा मेला नहीं होते और नंद्रनाथ नहीं होते तो संविधान में ये जो अस्पृश्यता उन्मूलन का कानून है ये नहीं होता, क्योंकि बाबा साहब के चिंतन में इन संतों की जो सेवाएं हैं, संतों का जो चिंतन है, संतों का जो आंदोलन है वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा था। ये क्रम से चीजें विकसित हुई हैं। कल कोई वक्ता कह रहे थे कि अकेले बाबा साहब ने ये कर दिया था, अकेले कबीर ने ये कर दिया था। मित्रों, अकेले में कोई नहीं कर सकता, एक निरंतरता में मूवमेंट उठ रहा होता है उसमें से कोई एक लीड करता है। मूक नायक जब आया उससे पहले 10 अखबार असमर्थ हो गए, अक्षम हो गए हमारी बात कहने के लिए, और उनका जिक्र बाबा साहब ने पहले संपादकीय में किया। इसी तरह से बाबा साहब के समय में बहुत नेता काम कर रहे थे अलग अलग जगह से, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में स्वामी अच्युतानंद एक पृष्ठभूमि बना चुके थे, 200 सभाएं कर चुके थे, और उनसे पहले आप जानते हैं कबीर रैदास का आंदोलन है, हैं? नंदनार आप देखें साथ में काम कर ही रहे थे, और महाराष्ट्र में चोखा मेला का आंदोलन चल रहा था। बेशक ये आंदोलन राजनीतिक नहीं था लेकिन पृष्ठभूमि समाज से बनती है। बाबा साहब आगे कहते थे कि अगर आप के समाज में परिवर्तन नहीं है तो राजनीति में परिवर्तन हो नहीं पाएगा। इसलिए आज भी स्थिति ये बनी हुई है कि हमारे देश में लोग इस बात को नहीं समझ पाते कि विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व की क्या आवश्यकता है। कोई कहता है कि सारे वकील बनाओ सारे बच्चों को, कोई कहेगा सबको IAS बनाओ, कोई कहेगा कि सबको PCS बनाओ, और हम रोस्टर की बात कर रहे हैं तो खाली रह जाएगा अगर सिर्फ हमारे पास वकील ही होंगे और हमारे पास सिर्फ राजनेता ही होंगे, IAS ही होंगे। तो सवाल यह है कि हर क्षेत्र में प्रतिनिधित्व चाहिए, शिक्षा में भी चाहिए, राजनीति में भी चाहिए, मीडिया में भी चाहिए, हमारे मीडिया में हमारा काम प्रतिनिधित्व, और अगर प्रतिनिधित्व नहीं है तो हमारा वैकल्पिक मीडिया होना चाहिए। तो इसलिए एक क्षेत्र के प्रतिनिधित्व से बात बनने वाली है। निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात हम बार बार उठती रहती है कि आरक्षण, मैं वहां भी यह कहता हूं कि जो निजी संस्थाएं बन रही हैं उनके में स्वामित्व में प्रतिनिधित्व की बात क्यों नहीं करते। अगर 100 संस्थाएं प्राइवेट बनी हैं तो उनमें शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब की, OBC की, हिस्से की कितनी संस्थाएं, 200 यूनिवर्सिटी आप प्राइवेट कर देंगे और 2 यूनिवर्सिटी भी हमारे हाथ में नहीं है तो प्रतिनिधित्व कहां मिला। और जब आप संस्थाओं में स्वामित्व प्रतिनिधित्व की बात करोगे तो प्राइवेटाइजेशन रुकना शुरू हो जाएगा। यह हुआ ही इसलिए था कि जो लोग जो राजनेता थे वो जो बैठे थे उन्हें मालूम था कि इसे लोग ये जो नीचे से लोग उठकर आ रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, सम्मान पा रहे हैं, उनको रोकने का एक ही तरीका है कि सारी संस्थाएं प्राइवेट कर दो, और प्राइवेट किसके हाथ में होंगी, वो उन्हीं के नाते रिश्तेदार, उन्हीं के भाई बंधुओं में जाएंगे। प्राइवेट होकर ऐसे नहीं है कि उसका मालिक कोई SC बन गया, ST बन गया। मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ वसुंधरा, 50 स्कूल प्राइवेट खुल गए, उसमें शेड्यूल कास्ट का शेड्यूल प्राइवेट भी नहीं, सरकारी स्कूल भी कोई नहीं। और मुझे हमेशा इस बात की परेशानी होती है कि उत्तर प्रदेश में 20 साल मायावती रहेगी, अखिलेश जी आ गए, एक दिन मुझे BSP के कुछ कार्यकर्ता मेरे घर पर आए, मुझे कह रहे थे कि आप जो लिखते हैं उसमें थोड़ा सा बहन जी के बारे में सोचिए। मैंने कहा मेरी कोई औकात नहीं है, मेरे पास कोई अखबार भी नहीं है, लेकिन मेरा प्रश्न ये है
कि गांव गांव में शिक्षा समाप्त हो गई। जो सफर कर रहे हैं बच्चे वो एससी के, एसटी के, ओबीसी के। मुलायम सिंह की भी सरकार आई, फिर भी शिक्षा का हाल वही है गांव में, और मायावती की भी आई, तो आपको बुनियाद की ही परवाह नहीं है। तो कैसे आप 20 साल पहले जो बच्चा आपने पांचवी कक्षा से निकाला होता अच्छे स्कूल से, वो आज आपका वोटर होता, आज हमारी नई जनरेशन का एक युवा हमारे सामने पैदा होता। तो शिक्षा का विनष्टीकरण होने से तमाम चीजें नष्ट होती चली जाती। अभी इनको सबको नशा है, जैसे कल ये सवाल उठाता हूं, मैं हमेशा सुनता आ रहा हूं, जब मंदिर का जोर हुआ तो अखिलेश जी ने कहा कि मैं विष्णु मंदिर बनाऊंगा। उनके संपर्क में रहने वाले दोस्त छात्रों से मैंने कहा कि मेरा संदेश उन तक ये पहुंचा दो कि अपने बाप दादा का ख्याल कर लो। अगर आपको मंदिर ही बनवाना है तो संगूप को क्यों भूल जाते हो? समूह का मंदिर बना दो, सूत्र थे ना संदूप, तो इतिहास भी याद रहेगा और आपकी जो धार्मिक भावना कुलबुला रही है वो भी संतुष्ट हो जाएगी। मैं ये नहीं कहूंगा कि मंदिर बनाओ तो यादव को पुजारी बना दो, मैं कहूंगा कि मंदिर बनाना है तो संभूक का बना दो। और बाबा साहब ने संभूक प्रकरण पर अच्छा खासा लिखा है, जो बाबा साहब की रचनाएं पढ़ते हैं अच्छी तरह जानते हैं, मैं उस तरफ जाऊंगा नहीं। मित्रों, समय की मुझे सीमा मालूम है, एक दो बात आपके सामने और रखूंगा। एक बात तो मैं ये रखना चाहूंगा कि हम प्रतिनिधित्व की बात सिर्फ सरकारों से करते रहेंगे तो बात नहीं बनेगी। हमारे अंदर जो आंदोलन है, जैसे मैं एक सवाल यहां खड़ा करना चाहूं कि हमारी तमाम संस्थाएं बनती हैं या तमाम हमारी गतिविधियां होती हैं, हम बाबा साहब के आयोजन भी बहुत सारे करते हैं, लेकिन हम इस बात पर कम ध्यान देते हैं कि उसमें महिलाओं की संख्या बहुत कम होती है। और उसका असर यह है कि घरों में अधिकांश महिलाएं विष्णु जी को पकड़े बैठी हैं, दुर्गा देवी को पकड़े बैठी हैं, तमाम मैं अचंभित होता हूं कि बाहर जो उनके पति हैं वो बाबा साहब के मूवमेंट में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। नाम लेना मुझे उचित नहीं लगता क्योंकि व्यक्तिगत किसी से मेरा राग द्वेष नहीं है, लेकिन मैं घर में देख रहा हूं कि पत्नी पंडित जी को, आज भी मैं जगह देख रहा था कि वो घर में पंडित जी जोर जोर से संघ बजा रहे हैं, रो रहे हैं, पति देव जो है बाबा साहब का आंदोलन में काम कर रहे हैं। तो ये जो जो असली जड़ जो है वो उसने घर में पकड़ रखी है, उसको जब तक आप नहीं निकालेंगे वो जड़ आप ही है। जी बताइए, अगर अपनी वाइफ को अपने साथ लेके चलेंगे तो सही कर रहे हैं, सही, बिल्कुल सही कर रहे हैं। आप आगे ही बढ़ना चाहते हैं, अपनी वाइफ को लाइए, मेरी वाइफ बैठी है सबसे आगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि हम लोग अपनी पत्नियों को, अपनी बेटियों को ये अवसर नहीं देंगे। तो उनका कहना, उनके कहने का मतलब सिर्फ मुझसे नहीं है, वो कह रहे हैं कि हम जो पुरुष हैं वो ऐसा कर रहे हैं। जहां तक पिछले सत्र में बात हो रही थी करोड़पति, हमारे दलित करोड़पति, बहुत अच्छी बात है, घर घर करोड़पति हो जाए तो कहना ही क्या है, लेकिन मुझे एक तजुर्बा हुआ पिछले दिनों। मेरा बेटा यूके में कुछ काम कर रहा है, उसने एक प्रोजेक्ट बनाया यहाँ आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी में, धनीराम जी, प्रोफेसर धनीराम जी की मदद से उसका प्रदर्शन भी हुआ। तो हम चंदन जी हैं करोड़पति संस्था के, उनसे जाके मिले, वहाँ उन्हें जानकारी मिली कि जो उत्पादन वो लोग कर रहे हैं, जो चीज़ें बना रहे हैं वो बना के किसी टाटा बिरला को दे रहे हैं, नाम उनका आ रहा है। तो हमने कहा कि हमारा दलित करोड़पति की तो पहचान भी नहीं आ रही, बाकी चीजें पहले हो चुकी है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि हम अपनी पहचान के साथ आए। हम जिस भी क्षेत्र में हैं, चाहे हम आर्थिक क्षेत्र में हैं, चाहे हम राजनीतिक क्षेत्र में हैं, चाहे हम साहित्य के क्षेत्र में हैं, इसलिए मैं आपको, आप ये जानते होंगे कि पिछले 20 साल से हमने साहित्य में भी प्रतिनिधित्व की बात उठाई, और जो पाठ्यक्रम है पूरे विश्वविद्यालयों का, हर विश्वविद्यालयों का,
उसको बदलने की हमने बात की। अभी पिछले दिनों साहित्य के एक बहुत बड़े आलोचक गुजर गए मित्रों, उन्होंने जोधपुर और जेएनयू कई जगह का पाठ्यक्रम बदला। हमारा सवाल यह था कि उस जो बदला गया उसमें एससी एसटी का पाठ्यक्रम आया क्या? जब नहीं आया तो ऐसे तमाम तरह के बदलावों से हमारा कोई भला नहीं होना। हमें प्रतिनिधित्व लोकतांत्रिक चाहिए, वैचारिक प्रतिनिधित्व, साहित्यिक प्रतिनिधित्व, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, आर्थिक प्रतिनिधित्व, इन सारे क्षेत्रों में अगर हमारा प्रतिनिधित्व है तो हम समझते हैं कि आजाद नागरिक हैं, लोकतंत्र में जी रहे हैं और जैसे दूसरे हैं वैसे ही हम सत्ता का लाभ उठा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मनोज को ज्यादा